हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्राइड लोबिया के लिए एक रेसिपी। फ्राइड लोबिया आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर बच्चों के लिए, और ये एक हेल्दी स्नैक है। बच्चे चिप्स वेप्स अपनी सीधी चीज़ें मांगते हैं, ये एक बेस्ट आइटम है। हमने तेल गर्म कर लिया है और हम इसमें लोबिया शामिल कर लिया करना है इसको, ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। हमें इसको इस तरह फ्राई करना है। अब हम इसको मध्यम आंच पे ढक के रख देंगे, ये होता रहेगा। ये देखें, हम इसको चेक करते रहेंगे बार बार। लोबिया देखें, हो गया तकरीबन, ये होते जा रहा है, हम इसको चेक करते रहेंगे। देखें, लोबिया काफ़ी हद तक हो चुका है, बिल्कुल हो गया है। अब हम बिल्कुल आखिरी मरहला चल रहे हैं, हम इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे और लोबिया को जल्दी जल्दी हाथ चमचा चलाते रहेंगे ताकि लगे भी नहीं जो लोबिया हो चुके हैं फ्राइड, वो जलने की तरफ ना जाएं और जो बाकी है वो जल्दी फ्राई हो जाए। तो इस तरह चम्मच चलाने से हमारे फ्राइड हुए हुए लोबिया जलने से बच जाएंगे। अच्छा, लोबिया में ये है कि आप इसमें कई किस्म की, मतलब इस आइटम की हद तक पहुँचने के बाद अपनी रेसिपी में कुछ भी तब्दीली कर सकते हैं। आप इसमें कूटा हुआ चाट मसाला डाल सकते हैं, उसमें टाटरी भी हो सकती है ऐड। और अगर इसी तरह के फ्राइड लोबिया आप निकाल के उसमें थोड़ा बेसन, थोड़ा चाट मसाला, टाटरी, नमक ऐड कर उसको ज़रा सा पानी से डिप करके उसको फिर दोबारा से फ्राइड करें तो वो भी एक मज़े का हेल्दी स्नैक, जैसे पीनट फ्राइड मिलती है ना इसी तरह के, ये हो जाएगा। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा आइटम है। बच्चों को बाजार के गंदे स्नैक्स लेने से बेहतर है हम अपने घर में ये बना के रखें। ज़्यादा देर तो नहीं लेता बनने के लिए, मगर बना हुआ रखें तो बेहतर है। ये देखें तेल किस तरह ऊपर आ रहा है, और अब इसमें से तेल अलग करेंगे। हमने अखबार बिछा दिया है कागज़ बर्तन में, और अब हम इसको छानेंगे। फाक से बड़ी छन्नी चाहिए इसके लिए, मगर मेरे पास वो छन्नी है इसमें अवेलेबल नहीं है जिससे मैं तेल इसका निकाल सकूँ। तो मैं छोटे ये चावल पकाने वाले चम्मच के थ्रू निकालने की कोशिश करूँगी, जितना निकाल सकूँ, बाकी मैं अखबार में डाल के निकाल दूँ इसका तेल ना। देखें किस तरह तेल ऊपर आते जा रहा है और ये फ्राई होता जा रहा है। जो लोग बाकी बचे थे वो फ्राई हो गए हैं, और जो अच्छी तरीके से फ्राई हो गए थे वो मज़ीद क्रिस्पी हो गए। ये देखें इस तरह इसको तेल को हम निकालेंगे। लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा।
बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। बच्चों के लिए एक हेल्दी स्नैक है, लेडीज के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, ताकतवर चीज़ है और ज़बरदस्त हेल्दी स्नैक है। आप इसे यूज करें, फायदेमंद है, बेहतरीन है सेहत के लिए और कम टाइम में जल्दी तैयार होता है। आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, मेहमान आए आप फोन सर्व कर दें चाय के साथ, बेहतरीन है। और कभी ऐसा हो कि नाश्ते के लिए कोई आइटम नहीं है तो आप प्याज टमाटर की चटनी बना के इसमें ऐड कर दें और ऊपर से दम पे एक अंडा भी फेंट के डाल दें, बेहतरीन आपके लिए नाश्ते का चाय आइटम तैयार हो जाएगा, ज़बरदस्त आइटम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।